गाइस डार्क एंड पिगमेंटेड लिप्स किसको पसंद होते हैं? आई थिंक किसी को भी पसंद नहीं होते, इजंट इट? तो अगर आप भी अपने लिप्स को जो है पिंक, सॉफ्ट एंड प्लम्पी बनाना चाहते हो तो आज का वीडियो आप ही के लिए है, पूरा एंड तक जरूर देखना। हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई एम प्रेरणा एंड माय चैनल नेम इज सुपर ब्यूटी डिजायर्स। सो गर्ल्स, अगर आप भी चाहते हो ना कि आपके डल एंड पिगमेंटेड लिप्स जो है पिंक, सॉफ्ट, प्लम्पी हो जाए, तो आज मैं बताने वाली हूँ एक आपको वंडरफुल सॉल्यूशन। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हिट लाइक जरूर करना इस वीडियो को। तो चलिए नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गर्ल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे लिप्स हैं वो डल, पिगमेंटेड, डिहाइड्रेटेड से क्यों हो जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर का रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, तो इससे भी जो है आपके लिप्स डल और पिगमेंटेड टाइप के हो जाते हैं। देन सेकंड नंबर, अगर आप मेकअप करते हो, बहुत ज़्यादा लिपस्टिक अप्लाई करते हो, तो उससे भी आपके लिप्स का कलर जो है वो पिगमेंटेड होता है। देन थर्डली गर्ल्स, अगर आप सन रेज में बहुत ज़्यादा रहते हो तो उससे भी आपके जो लिप्स हैं उसका कलर पिगमेंटेड हो जाता है। तो ये सभी रीजंस होते हैं आपके लिप्स को डल, डिहाइड्रेटेड और पिगमेंटेड करने के। ओके, तो मैं भी काफ़ी टाइम से परेशान थी, मेरे भी लिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा ऐसे पिगमेंटेड से, डल से हो रहे थे। देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस वंडरफुल प्रोडक्ट ओवर हियर। सो गर्ल्स, दिस इज बेला वीटा ऑर्गेनिक निको लिप्स लिप लाइटनिंग स्क्रब बाम। लेट मी शो यू द प्रोडक्ट हेयर। तो इट इज द प्रोडक्ट जो कि 100% नेचुरल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। एंड गाइज, ये जो है सुपर डुपर अफोर्डेबल भी है। ये जो है 20 grams का प्रोडक्ट आपको 399 rupees में मिल जाता है, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। तो इसीलिए आई डिसाइडेड टू टेक 21 days चैलेंज ऑफ लिप लाइटनिंग। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने ये जो है प्रोडक्ट को यूज़ करा है, और मतलब किस तरीके से ये इसने मेरे लिप्स को चेंज करा है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सो गर्ल्स, ये इस तरीके की टब में आता है। एज यू कैन सी, बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा टब है, वेरी हैंडी। तो चलिए अब इसका एप्लीकेशन हम देख लेते हैं कि हमें इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। सो गर्ल्स, फर्स्ट स्कूप द स्क्रब, स्क्रब योर लिप्स। And let it stay for 5 to 10 minutes. Then swipe it with a cotton ball. It's very, very easy to apply. So girls, अभी हम देखेंगे day 1 and day 7 की picture. तो पहले आप देख रहे हो ना, मेरे जो है lips बहुत ज्यादा ऐसे rough थे, अभी काफी ज्यादा softer हो चुके हैं। आप देख रहे हो picture में कितने ज्यादा soft लग रहे हैं। सो यस, ये था मेरा फर्स्ट 2-7 days का डिफरेंस। नाउ हम देखेंगे day 7 and day 14 की पिक्चर। तो जब मैं day 7 पे आई थी तो मेरे जो लिप्स थे बहुत ज्यादा पिगमेंटेड थे। यहाँ पे कॉर्नर्स में भी मेरे काफी ज्यादा पिगमेंटेशन था, अपर ऑफ द लिप पे भी बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन था। तो जैसे जैसे मैंने इसको यूज करा day 14 पे, आप देख रहे हो कि काफी ज्यादा जो है पिगमेंटेशन रिड्यूस हो चुका है, विच आई एम लविंग दीज डेज। तो अब हम day 14 और 21 के पिक्चर अगर हम देखते हैं तो सॉफ्टर के साथ ही साथ पिगमेंटेशन भी रिड्यूस हुआ है और मेरे लिप्स जो है टुवर्ड्स पिंक कलर के होने लगे हैं। तो आप देख रहे हो एकदम पिंकिश टोन मिल गई है मेरे लिप्स को, आप पिक्चर में देखो अभी तो कितना ज्यादा आपको प्रिटी लग रहे हैं लिप्स। मतलब मैंने कुछ भी अभी अप्लाई नहीं किया है, लिप्स अपने आप ही सॉफ्टर और एकदम पिंक टाइप के लग रहे हैं। नाउ गाइज, अब हम टोटल डिफरेंस देखने वाले हैं day 1 से लेकर day 21 का। अभी आप देखो जो day 1 पे मेरे लिप्स थे काफी पिगमेंटेशन भी था, रफ थे, ड्राई थे, लेकिन day 21 में आप देखो कितने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, एकदम फुलर हो गए हैं और पिंकिश हो गए हैं, पिगमेंटेशन भी रिड्यूस हो गया है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। मतलब अपने आप ही नेचुरली इतना पिंक कलर आ गया है ना इसमें। तो आई रियली लव दिस प्रोडक्ट गाइज। इसमें जो है इंग्रीडियंट्स काफी अच्छे मिक्स करे गए हैं जो कि आपके लिप्स को बहुत ही एकदम पिंकिश बनाते हैं और पिगमेंटेशन बहुत ही जल्दी रिड्यूस होता है। तो अगर आप भी काफी ज्यादा परेशान हो ना पिगमेंटेशन को लेके, तो आप एक वाला प्रोडक्ट ट्राई करके देखो, आपका पिगमेंटेशन बिल्कुल रिड्यूस होगा, क्योंकि इसमें जो एक्सट्रैक्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत फास्ट वर्क करते हैं। सो मैंने जो ये 21 डे चैलेंज लिया, आई एम फुली सेटिस्फाइड गाइज, एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा वंडरफुल रहा है। सो गर्ल्स, इसमें जो है बीट रूट, शिया बटर एंड वॉलनट है जो कि आपके डार्कनेस को रिड्यूस करता है ओवर योर लिप्स, एंड ऑल्सो इट विल रिपेयर द निकोटिन डैमेज ओवर योर लिप स्किन।
और साथ ही साथ ये जो है आपके लिप्स को नरिश करता है, उसको सॉफ्ट बनाता है और स्मूथ भी बनाता है। Now girls, let me talk about its price. It is super duper affordable because ये जो 20 grams का product है ये आपको केवल 399 में मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है और इसकी quantity जो है बहुत ही tiny mini से use होती है। तो I would say that ये जो है आपको over 2 to 3 months तक last करेगा, which is very wonderful. तो नाउ मैं आपको मेन रीजन बताती हूँ कि ये मुझे इतना ज़्यादा क्यों पसंद आया, बिकॉज इट इज़ 100% नेचुरल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। इसीलिए आई वुड ऑल्सो रेकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू गाइज। आई हैव गिविन ऑल द लिंक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू शुड चेक दिस आउट। और आप भी अपने लिए बाय कर सकते हो ये बेला वीटा ऑर्गेनिक का निको लिप्स लिप लाइटनिंग स्क्रब। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, आजकल मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ। सो येस गर्ल्स, यही था मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आई शुड मीट यू इन वन अनदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश। बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय।